आज मैं हूँ जी श्रीनगर के पास, मतलब एक श्रीनगर हमारा उत्तराखंड में भी है, हरिद्वार से 100, ऋषिकेश से 100 किलोमीटर के आसपास। ये हमारे बीनू भाई का वो है, कैंप है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात, मेरे लिए सबसे गंदी बात है कि इन्होंने स्विमिंग पूल बना रखा है, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल बताते हैं। और बीनू का डंडा है कि मुझे अब इसमें नहाना पड़ेगा, मतलब नहाना चाहिए। ये बीनू भाई जो मुझे नहाने के लिए डंडा करे जा रहे हैं। ये तैरना आता है? तैरना नहीं आता। नहीं आता? देखो जाओ, इतना नहाएगा पानी 5 फीट। अबे तुम्हारी कितना पानी? 5 फीट है, इतना आएगा। मैं डूब जाऊंगा, थोड़ा ज्यादा डीप होगा। नहीं, मैं डूब जाऊंगा। नहीं नहीं, ये क्या, ये लाइफ जैकेट ले जाओ। इससे नहीं डूबेंगे ना, ये इसमें तो आराम से लेटेड हो हैं। ये पड़ जाओ, ऊपर रखेगा ये। नहीं, कहीं ऐसा हो सिर नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए। नहीं, ये है ना तकिया, इसको लो। ये है नहीं, उल्टे तो नहीं हो जाएंगे ना इसमें? नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं होगा। ठीक है, जाओ कूदो कूदो फटाफट। अरे यार, 6 बजे जाएंगे। यार ये दिन भी देखने पड़ेंगे, हिमालय में आके नहाता कौन है? ऊपर वाले ने हिमालय इसीलिए बनाया है और फिर सर्दियां इसीलिए बनाई हैं कि नहाना ना पड़े। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे जाके रहते थे इसी वजह से। मैंने पूल तुम्हारी वजह से बनाया, तुम जसो की वजह से नहाना पड़े। अब मैं डुबकी कैसे मारूं? ऊपर से ही तो मार देगी। गंगा जी में डुबकी लग रही है, में डुबकी लग रही है। सही है भाई, थकान सी मिट गई। पानी शुरू में तो बहुत ठंडा लगा, पर उसके बाद मज़ा आने लगा, थकान मिट गई। मुझे वैसे भी नहाने की ज़रूरत पड़ रही थी। हाँ, लेकिन स्विमिंग पूल में ना साबुन नहीं लगा सकते, तो अब मुझे साबुन लगाने के लिए असली वाले बाथरूम में जाना पड़ेगा। हाँ, नहाने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है। बात है ये कि पानी ठंडा तो था, हल्का हल्का ना सिर में दर्द हो गया है, पानी ठंडा तो था। तो चलिए आपको आज की, कल की मैं कहानी सुनाऊंगा, थोड़े से आपको व्यू दिखाऊंगा। मैं कल चला था पतंजलि से। हेलो जी, हेलो, घोंकड़ी जिंदाबाद दोस्तों आप सभी को। तो आज तारीख है 16 नवंबर और दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अभी मैं हूँ यहाँ पे पतंजलि में, हरिद्वार के पास पतंजलि है।
यहाँ पे हूँ और आज से मैं अपनी एक लंबी यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। वैसे तो पूरा साल ही हमारा यात्राओं में निकल गया। साल में फरवरी और मार्च में हम साउथ घूमने चले गए, उसके बाद अप्रैल से लेकर जुलाई तक तीर्थन वैली में पड़े रहे। तीर्थन वैली में हम केवल पड़े रहे, हम कहीं भी घूमने नहीं गए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आज से हमारी एक और लंबी यात्रा की शुरुआत हो रही है। शुरुआत हम पतंजलि से ही कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं जाऊँगा पहले। अच्छा, अभी मेरे साथ दीप्ति नहीं है, वो दिल्ली है, दिल्ली में थोड़ा सा काम है उसे, और अगले 2-4 दिनों में आके मुझे ज्वाइन कर लेगी जहाँ पे भी मैं रहूँगा। तो उत्तराखंड का जो ये पौड़ी गढ़वाल एरिया है, पौड़ी गढ़वाल जिला है, इसमें एक से एक अच्छी अच्छी जगह है, हाइट भी अच्छी खासी है, 3000 मीटर ऊंची चोटियां हैं, 2000 मीटर की तो बहुत सारी जगह है 2000 मीटर की हाइट वाली, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म नहीं है। तो हम पौड़ी गढ़वाल जिले को आज अगले कुछ दिनों में एक्सप्लोर करेंगे और पौड़ी गढ़वाल जिले से हम कुमाऊं में हम एंट्री कर जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे ये अभी से बताना मुश्किल है, कब कहाँ रहेंगे ये भी बताना मुश्किल है, ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते। लेकिन आज हम रहेंगे अपने दोस्त बीनू कुकरेती के कैंपिंग साइट पे जयालगढ़ के पास। जयालगढ़ में, जयालगढ़ है श्रीनगर से, देवप्रयाग और श्रीनगर के बीच में। तो चलिए चलते हैं बाइक पे सामान बांध के और एक अपनी छोटी सी लंबी यात्रा पे। ये जो है नी चीला वाली रोड, अभी मैं चीला रोड पे हूँ हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए। छोटी गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा वैकल्पिक रास्ता है, नहर के साथ साथ है। ऋषिकेश के पास एक डैम है, उस डैम से ये नहर निकलती है और ये आगे फिर गंगा जी में जाके मिल जाती है। तो हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज से हमने गंगा जी पार करी, अब इस रास्ते से जा रहे हैं। ये रास्ता है राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से, राजा जी के अंदर से है, राजा जी है टाइगर रिजर्व। मैं यहाँ से बहुत बार जा चुका हूँ हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए, इसी रास्ते का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कभी टाइगर दिखे नहीं। बंदर दिखते हैं, लंगूर दिखते हैं, 2-4 हिरन दिख जाते हैं, टाइगर भी दिखने चाहिए, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद कैमरे की बैटरी हो गई ख़त्म, तो हम उसके बाद इसके बाद की फिर वीडियो नहीं बनाई हमने कोई भी। और फिर दे दनादन रात को 8 बजे मैं यहाँ पे आया हूँ जयालगढ़।
श्रीनगर और देवप्रयाग के बीच में है। देवप्रयाग से करीब 25 किलोमीटर आगे है, श्रीनगर से 10 किलोमीटर पहले है। अलकनंदा नदी है एकदम किनारे पे, हम आपको थोड़ी देर में अलकनंदा के किनारे ले चलेंगे। अभी तो धूप तेज है, उतने अच्छे फोटो उतने अच्छी वीडियो नहीं आएगी। इधर नीचे चलेंगे, आजा आजा। मैं निकला तो लंबी यात्रा पे था, सोच रहा था कि एक हफ्ते तक मैं पौड़ी गढ़वाल में और कुमाऊं में घूमता रहूँगा, लेकिन आज का पूरा दिन मेरा यहीं पे जियालगढ़ में। अच्छा मन लग गया यहाँ मेरा। ये अलकनंदा नदी है, अलकनंदा गंगा जी कह सकते हैं, अलकनंदा को भी गंगा जी है, और इसके किनारे एकदम बहुत अच्छा मन लग गया। अब कल का भी मेरा भरोसा नहीं है, मैं कल यहाँ से जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। करना ही क्या है हमें, अगर हम यहाँ बाइक चलाते रहें, मोटरसाइकिल चलाते रहें, सड़कें नापते रहें, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहें, अगले दिन की प्लानिंग करते रहें, तो हमारा छुट्टियाँ बिताने का मतलब क्या हुआ। छुट्टियाँ बताने का मतलब है कि कहीं पे अपने रूटीन वर्क से छुट्टी लेके कहीं पे दो चार घंटे दो चार दिन जाके शांति से बैठना, शांति से टाइम स्पेंड करना, और उसमें भी हम इधर से उधर उधर से उधर भाग दौड़ करते रहें तो क्या मतलब हुआ फिर छुट्टियों का। चलिए ठीक है, आपके मन में कोई बात चल रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम अगली वीडियो में उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और हमारे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो बनता हो वो कीजिए।